एडमिनो के चैनल पर पहले 48 के सब्सक्राइबर थे और कल लाइव स्ट्रीम के बाद 54K हो गए। पावर तो है, पावर तो भाई। देखो दैट्स द फैक्ट ना कि अगर तुम सोलो मॉडल ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे मतलब दे ऑलरेडी हैव अ फैन बेस जो तुम्हें मिलता है, एंड वही है कि प्यार है, लोंडो का प्यार तो है, ये तो मैंने देखा। गॉडलाइक फैन का पावर देखा अपने एडमिनो के फर्स्ट स्ट्रीम में 24K वॉचिंग गई। एक टाइम था जहां एडमिनो के सब्सक्राइबर 8-9 हज़ार थे, 24K वॉचिंग ही चल गया ना। नाइस। लास्ट ईयर स्काउट सेट कि हम दो बेटे क्वालिफाई हो जाएंगे अपनी टीम को, देखो तुम्हारी टीम को भगा भगा के मारेंगे और क्वालिफाई नहीं होने देंगे। इज लाफिंग विद हिज गैंग। अरे यार देखो बाबा, बैंटर्स हैं एंड बैंटर्स जरूरी हैं ई स्पोर्ट्स सीन में, बैंटर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन ई स्पोर्ट्स सीन। नहीं भाई दुख हो रहा है, लेकिन तुम वापस गॉडलाइक में मत आना, तुम टीम के लिए डिस्ट्रैक्शन हो, तुम्हें और हर दूसरे दिन पब में जाना है। देख ये होता है बच्चा, क्या तू गॉडलाइक बूट कैंप पे रहा है? हर्ष भाई क्या तू गॉडलाइक बूट कैंप पे रहा है? क्या तू देखा है क्या मैं उनको क्लब लेके जाने का? हाँ जॉनी क्लबिंग करता है? नहीं करता है। जेली क्लबिंग करता है? नहीं करता। एडमिनो क्लबिंग करता है? नहीं करता। ठीक है चैट, मुझे एक चीज बताओ, तुम हो ठीक है, तुम गए कॉलेज में और एक बंदे ने बोला चल अपन क्लब जाते हैं, तो तुम क्लब तभी जाओगे ना जब तुम्हारा मन करे ना? क्या वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको लेके जा सकता है? सिंपल सी बात, उधर भी है बच्चे है क्या, 22-23 साल के घोड़े सब। मैं बोल भी दूं तो क्या मैं हाथ पकड़ के लेके जा सकता हूँ? उनका मन रहेगा आते, नहीं रहता नहीं आते। एक बंदा बोल रहा है गॉडलाइक ज्वाइन मत करना, वापस गॉडलाइक का डाउनफॉल आएगा। मैं ही तो था, मैं ही तो था। कैसे से लोग हो गए? और इतने ब्रेक है तो जीत रहे थे स्टार्टिंग में, वो तभी डेंजर है बे। व्हाट इज इंप्रूविंग बट स्टिल सोल अ बिट है गॉडिल। ट्रू ट्रू, देखो गॉडिल इंप्रूव कर रहा है बट सोल है। देखो मना नहीं भाई, देखो तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए जो चीजें दिख रहा है, जो स्टैट्स है। गॉडिल जो पुराने फॉर्म में था वो फॉर्म से गॉडिल अभी, आप मानते हो मेरे बात को तो प्लस वन करना। गॉडिल जो पुराने फॉर्म में था वो फॉर्म से अभी का फॉर्म आई गेस 10 गुना बेटर है फॉर गॉडिल, बट स्टिल सोल थोड़ा आगे। तो वो टाइम के साथ और थोड़े टाइम के साथ वो भी कैचअप हो जाएगा। आई नो ट्रोलिंग की ठीक है, सोल मर गया तो ट्रोल करते हैं, ये करते हैं, गॉडल मर गई तो गॉडल को ट्रोल करते हैं, सोल ने गॉडल को मारा तो ट्रोल करते हैं, गॉडल ने सोल को मारा तो ट्रोल करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये है कि एज ए टीम कौन फर्स्ट पे है, समझ रहे हो? तो गॉडलाइक पहले से अभी बहुत अच्छा खेल रही है और सोल अच्छा खेल ही रही है पहले से भाई, वो बहुत टाइम से साथ खेल रहे हैं, ये टीम न्यू बनी है। एग्जैक्टली तो वही तो कहा मैं, मैंने बोला तो कि थोड़ा और टाइम बाद हो सकता है कैचअप होएगा। अरे जॉनी नहीं खेल रहा है, गॉड खेल रहा है। अबे गॉड खेल रहा है, चलो बहुत टाइम बाद। चलो गॉड का इच्छा तो पूरा हुआ, उसको बीजीएस खेलना था। मेजर रीजंस को यहां पर जो है बहुत आसानी से कवर कर रहा है, जहां पर जो टीम थोड़ा सा हां डॉबी लाकुबेरिया की तरफ जाना चाहती है। गॉड को तो बीजीएस खेलना था, जो प्लेयर्स है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे। कुछ नहीं बोल रही मैं अभी, गॉड गेमिंग की बात कर ली जाए, वो पिगाडो की तरफ गॉड बताएगा तेरे को अभी। गॉड क्या भाई साहब, तू खुद में एक, अरे नहीं रे मेरे को। और देखो गाइस जो लोग, और आज मैं एक चीज ना क्लियर कट बोल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं ना डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, गॉडलाइक नहीं मतलब छोड़ना था, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया ये वो, अभी थोड़े दिन में मेरा अनाउंसमेंट भी होने वाला है जो भी न्यू ऑर्ग में आ रहा है, तो जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना बाढ़ में जाए। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जो सपोर्ट करेगा वो करेगा, बाकी जो है नाम के वो निकल जाए यहाँ से। देख लूंगा जो करना है कर लूंगा, और मैं उनमें से नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो भी चुपचाप बैठू। बस बस आके बोला मत करो डाउनफॉल स्टार्ट। अरे भाई तुम अपने लाइफ का टेंशन लो भाई, तू जो बोल रहे डाउनफॉल, तुम अपने लाइफ का टेंशन लो कि तुम्हारा क्या लाइफ में, तुमको करियर में क्या करना है। मैं थोड़ा सेटल हो चुका हूँ और करना है मेरे को, तुम तो अभी तक सेटल्ड हो भी नहीं जो मेरे को लिख रहे कि डाउनफॉल स्टार्ट। तुम थोड़े अपने लाइफ में सेटल हो जाओ, एक एनुअल पैकेज बना लो सैलरी का, कि साल का तुमको 12-13 लाख एनुअल पैकेज है तुम्हारा, तुम पहले खुद का कर लो फिर दूसरों का टेंशन लो।
जॉनी का बता हाईएस्ट बिल, जॉनी का हाईएस्ट बिल, जॉनी का, जॉनी तो यार कितना भी भर दे उसको तो क्या दिक्कत है। कैंसिल यहां पर जो हो गया, जॉनी ने अपने बर्थडे के दिन भरा रे। हां जॉनी ने अपने बर्थडे के दिन भरा था आई गेस 1,90,000 या 2,00,000 बिल खुद ने पूरा। उसके लिए क्या जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है वो तो 2,00,000 के जो क्लोज इन कर रहे हैं मैक उसके ऊपर 1 महीने का 10% रहेगा वो भर दो। सर हु इज रिचर मॉडल जॉनी और स्काउट? ओ माय गॉड दैट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन ब्रदर। हां Let's not go on their background because I don't know कि किसका background richer है. Let's just focus on their career money. It's a very tough question bro. Tough call man. भाई legit ये question के बारे में कभी मैंने नहीं सोचा. ब्रो दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन मैन, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। मतलब कभी दिमाग में खनका भी नहीं कि इन तीनों में से कभी अमीर कौन होगा, या कभी बैठा तो दोस्तों के साथ या कुछ भी ऐसा कभी डिस्कशन नहीं हुआ मैन। इट्स अ वेरी टफ कॉल टू मेक, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि रिसेंटली में मॉर्टल ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, कितने में से, बट वो जो अमाउंट है वो अमाउंट देखा जाए तो स्काउट और जोनाथन दोनों भी टच कर सकते हैं, विच मेक्स इट मोर हार्ड। आई हैव नथिंग टू से यार, मतलब मैं नहीं गेस कर सकता, तीनों में से कोई भी हो सकता है यार, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट आई थिंक जोनाथन हल्का कम होगा, नॉट गोना लाइक, जोनाथन हल्का कम होगा। स्काउट और मॉडल से तो कम होगा, आई एम श्योर। रीजन बता देता हूं रीजन, स्काउट और मॉडल जोनाथन से भी पहले से है सीन में, चाहे वो 1 साल का ही फर्क हो, बट वो 1 साल का फर्क भी इन लोगों की अर्निंग में बहुत ज्यादा फर्क देता है, तो उस वजह से। बाकी मॉर्टल और स्काउट में कौन होगा, दैट इज अ टफ कॉल टू मेक। मेरे पे एलिगेशन बेसिकली नहीं है, मेरे एक टीममेट पे है जो मेरा टीममेट था 2019 पे। अब उसके एलिगेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता। मेरी कोई क्लिप हो तो भाई आप मेरे को दे दो, मैं खुद ही स्पोर्ट्स लीव कर दूंगा। बट एक कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें भी मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ पूरा नहीं है भाई। आप टीम आईवी में थे, फिर आप टीम आईवी क्यों लीव कर दिए? क्योंकि यार उन्होंने मेरे को बूट कैंप पे खेलने के लिए बुलाया था, मतलब एक बार मैं खेल के जा चुका था घर पे, उसके बाद उन्होंने बोला था कि लैन मतलब कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट है वो भी बूट कैंप पे खेलना पड़ेगा, लेकिन मेरे एग्जाम्स थे तो मैं अपने पेरेंट्स को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने खेला। अरे आज मैं देखा गॉडले के एक मैं देखा जिसके अंदर वो जॉनी 10 मारा, वो अच्छा मारा रे उसने, वो टीटी को 1v3 या 1v4 किया, दैट वाज गुड। और अभी भाई ये लोग अलग ही खेलना शुरू कर दिया, पता है मतलब कोई भी गॉडले में से कोई भी नॉक हो रहा है ना, इंस्टेंट रेड आ रहा है। अगर समझ लो सेम पर नॉक हुआ तो उसको एकदम क्विकली कोई पीछे से आ रहा है एडमिन हो या फिर जॉनी आके वो ट्रेड ले रहा है भाई, वो इनका बहुत स्ट्रांग हो गया है ये वाला सीख गया भाई। मैं हर एक बंदा 1v1 के टक्कर में है, जो भी आ रहे उड़ा रहे कि भाई टीम क्या एग्रेसिव खेल सकती है। आ मेरे हिसाब से देखो एग्रेसिव खेलने पे अपन जीत नहीं सकते, तो अगर जीतना है तो अपन को एग्रेसिव मतलब डायनेमिक खेलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से डायनेमिक खेलेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। एग्रेसिव क्वार्टर्स वगैरह में सेमीज तक चलता है, लेकिन ग्रैंड्स में नहीं चलता। देखो अगर अपन कंसिस्टेंट रहेंगे ऐसे मतलब बैक टू बैक चिकन निकाले तो वो काइंड ऑफ एग्रेसिव में ही काउंट होता है। अगर 12-15 किल करके निकाले तो मतलब ऐसा अंधा एग्रेसिव वो वाला अब जमाना रहा नहीं भाई। अब तुम ही जानते हो एक शॉटगन